भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग ने मिशन अंकुर अभियान का शुभारंभ किया। मिशन अंकुर अभियान को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिशन अंकुर अभियान नींव का पत्थर साबित होगा। इस अभियान से कक्षा पहली से तीन तक के बच्चों के बुनियादी और संख्या ज्ञान को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस दौरान प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग ने मिशन अंकुर अभियान की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में कक्षा पहली से तीसरी तक के बच्चों की बुनियादी शिक्षा में वर्ष 2027 तक परिपक्वता एवं आवश्यक सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश की जनजातीय एवं क्षेत्रीय कुल 8 भाषाओं में मिशन अंकुर के लक्ष्यों की पाठ्य सामग्री तैयार की गई है। आने वाले समय में मिशन अंकुर को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों को उन्हीं के क्षेत्र में पदस्थापना में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा में ही बुनियादी शिक्षा सहजता से प्राप्त कर सकें। इस मौके पर मंत्री परमार ने प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के लिए मिशन अंकुर के लक्ष्य पोस्टर वीडियो के साथ बेस लाइन रिपोर्ट का विमोचन किया। ये लक्ष्य पोस्टर मध्य प्रदेश की जनजाति क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं में तैयार किया गया है। गोंडी, भीली, कोरकू सहित कुल 8 भाषाओं में लक्ष्य पोस्टर जारी किए गए हैं। बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक एवं शिक्षण अधिकारियों के पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। शिक्षक के सहयोग के बिना मिशन अंकुर के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस मौके पर राज्य मंत्री परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन के साथ मध्य प्रदेश में कक्षा पहली से तीसरी तक के बच्चों की बुनियादी शिक्षा में वर्ष 2027 तक परिपक्वता एवं आवश्यक सुधार लाने के लक्ष्य रखा गया है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निपुण भारत के तहत लक्ष्य प्राप्त करना, तो मध्य प्रदेश में हमने मिशन अंकुर के नाम से इस अभियान को प्रारंभ किया है। लंबे समय से काम चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो प्राथमिक सेक्टर है वहाँ की जो बुनियादी शिक्षा है उसको अच्छी करना, उसको ठीक करना इस अभियान का उद्देश्य है। सभी जिलों की अलग अलग प्रकार की वहाँ की स्थिति है, वास्तविकता है, और इससे ही हमको आगे बढ़ने के लिए हमने ये सब रैंकिंग कर रहे हैं, ताकि सब में कंपटीशन की भावना हो और अपने को ठीक करे, व्यवस्थाओं को ठीक करे, अपना एकेडमिक पार्ट ठीक हो। कई सारे कारण हैं, अलग अलग जिलों के अलग अलग कारण हैं। कुछ कारण कोरोना के कारण से भी परिस्थितियाँ बदली है, लेकिन हमने अपनी वास्तविक धरातल की जो जानकारी लेकर के कि हमको आगे बढ़ना है तो हम कहाँ खड़े हैं, हमने आकलन किया। और हम हर प्रकार के महिला बाल विकास या आंगनवाड़ियों के माध्यम से भी, अन्य माध्यम से भी स्कूल तक पहुँचाने की उनकी व्यवस्था करते हैं। ड्रॉप आउट की संख्या थोड़ा ऊपर जाते हैं जब तक बढ़ती है, उसके कई सारे कारण हैं। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे अभिभावक प्रदेश के बाहर जाते हैं और इसलिए बच्चों को भी साथ ले जाते हैं, तो स्कूल से उनकी छूट जाता है एक प्रकार का। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कारण बन आ रहे हैं ध्यान में, उन पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम कोशिश ये करेंगे कि यदि पिताजी और माताजी यदि काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो बच्चा यहाँ हॉस्टल में छोड़कर जाए। इसलिए ट्राइबल क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्र में भी हम समरसता छात्रावास पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में वो ये जो खत्म हो जाएगा। मंत्री परमार ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों का प्रारंभिक शिक्षा में प्रगति पत्रक भी जारी किया। स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जिलों में संपादित किए जा रहे कार्यों के आधार पर सत्र 2022-23 के द्वितीय त्रैमास की जिलों की रैंकिंग तय की गई है। इस रैंकिंग में खंडवा, छतरपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल एवं बालाघाट शीर्ष 5 जिले हैं। स्कूल शिक्षा रैंकिंग में भोपाल 22 पायदान चढ़ा, फिर भी बी ग्रेड मिला। इस मौके पर राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराजू एस ने कहा कि जिलों के स्कूलों में हर कार्य और उपलब्धियों के आधार पर जिलों को नंबर दिए गए हैं। जिलों की शैक्षणिक रैंकिंग के अनुसार गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। कई जिलों ने पिछली रैंकिंग के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। इस प्रक्रिया से सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हुई है। जो रैंकिंग जारी किया है उसका प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर किया है। जो एक्टिविटीज हम करते हैं उन सबको अलग अलग वेटेज देके रैंकिंग किया गया है। और लास्ट ईयर हम लोगों ने एक साल का रैंकिंग जारी किए थे, इस साल से हर क्वार्टर में करेंगे। आने वाले समय में हर माह रैंकिंग जारी होगी, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन जिलों के बीच में बने रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात को रेखांकित किया गया कि जो बुनियादी स्किल्स है उसमें बच्चों के कमी है, इसलिए आगे जाके वो ना पढ़ पाते हैं, ना सीख पाते हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए 2 साल से काफ़ी टीम ने काम किया और 1 साल से शुरू भी हो गया। कई कारण से उसको औपचारिक लॉन्च नहीं हुआ था, आज औपचारिक लॉन्च हुआ है।
और एक हमने बेसलाइन रिपोर्ट भी जारी किया है जिसमें हमें पता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमें पहुँचना कहाँ है। कुछ ज़िलों में लगातार कमज़ोरी है, इसलिए हमने कलेक्टर्स को भी कहते हैं कि भाई देखो कि क्या इश्यू है। कलेक्टर्स और CO जिला पंचायत हमारे मिशन के लीडर्स भी होते हैं ज़िलों में, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये लोग देखेंगे और बेहतर करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।